ओम शांति। चार अगस्त अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और भाग्य विधाता बाप अपने बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं और हमें नशा चढ़ा रहे हैं। बच्चे तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे भाग्य की झलक तुम्हारे चेहरे और चलन में बोल में स्पष्ट दिखाई दे। जैसे संसार में कोई धनवान होता है, भाग्यवान होता है, कैसे उसके पास झलक फलक रहती है, तुम तो स्वयं भाग्य विधाता के बच्चे बन गए हो। स्वयं भाग्य विधाता तुम्हारा भाग्य जगा रहा है, स्वयं भाग्य विधाता तुम्हारा हो गया है। अपने भाग्य को भूलो नहीं, तुम बहुत बहुत भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती रहे, इस नशे को कभी धीमा न होने दो। चाहे संसार में कोई धन संपन्न व्यक्ति हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो और किसी विशेष चीज में संपन्न हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य के सामने उन्हें अपना भाग्य बहुत छोटा नजर आएगा। तुम अपने भाग्य के नशे में रहो तो नाउम्मीद वार वाली आत्माएं उम्मीदों में आ जाएंगी। दिल शिकस्त आत्माओं के दिल में आशाओं के दीप जग जाएंगे। सो हमें चेक करना है, हम श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहते हैं। कौन मिल गया, क्या क्या देख लिया, क्या क्या और प्राप्ति हो गई। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला, सर्वश्रेष्ठ शक्तियां मिली, सर्वश्रेष्ठ परिवार मिला, सर्वश्रेष्ठ काम मिला। ऐसे भाग्यवान हैं हम सभी, तो उठते ही अपने को ये तिलक दे दें, अर्थात स्मृति में आ जाए कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बाबा याद दिला रहे आज, बच्चे तुम्हारे जैसा भाग्य किसी का नहीं होता। लेकिन बाबा को हंसी आ रही है, मैं भोलानाथ हूँ तो अपने भोले बच्चों को देखकर सोच रहा हूँ कितने भोले हैं ये सब, अपने श्रेष्ठ भाग्य को ही भूल जाते हैं। अरे भला कोई अपने भाग्य को अपने को भूला करता है क्या। लेकिन कहीं कहीं बच्चे इतने भोले बन जाते हैं। देखिए बाबा की कितनी प्यार भरी शिक्षाएं हैं और कहने का तरीका कितना सुंदर है। वो ये भी कह सकता है तुम क्यों भूल जाते हो, जो भूल जाएगा उसका भाग्य अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा कितने भोले बच्चे हैं, अपने इस महान भाग्य को भी भूल जाते हैं, तो हमें इसको नहीं भूलना है। और सवेरे सवेरे उठकर अगर हम बहुत अच्छी तरह इस खुशी और नशे में आ जाएंगे तो हम चार्ज हो जाएंगे और हमारा भाग्य तेजी से बढ़ता जाएगा। तो इसकी हमें बहुत खुशी भी रहे और इसका हमें बहुत नशा भी रहे। आज सारा दिन हम बहुत बार याद कर लेंगे, 50 बार याद कर लेंगे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य बनाया है, भाग्य विधाता स्वयं मेरे पास आ गया है, भाग्य विधाता स्वयं मेरे हिस्से में आ गया है। मधुबन वालों से मिल रहे हैं बाबा। मधुबन की दो बात, मधुबन ये मुरलियां बहुत चलती थी उन दिनों, मधु माना बहुत मधुर और वन माना बहुत वैराग्य। तो तुम बहुत मधुर हो बाबा, विशेष रूप से मधुबन वालों का जो महत्व है, जो उनकी महानताएं हैं वो जरा याद दिला रहे हैं। ये मधुबन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ का प्रभाव प्रवाह सारे संसार में फैलता है। तुम यहाँ कोई शक्तिशाली कार्य करते हो तो सारे ब्राह्मणों में और उधर संसार में भी कोई शक्तिशाली कार्य होता है। कितना गुह्य राज है ये, तुम्हारी तरफ सारे संसार की नजर रहती है क्योंकि मधुबन स्टेज है, वर्ल्ड स्टेज है ये। देखिए कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो बाबा कह रहे हैं कोई गुलदस्ता देने भी जाएगा उसका भी अपने पे ध्यान रहेगा। तुम तो वर्ल्ड स्टेज पर हो, तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा उमंग उत्साह, इसको सारा संसार फॉलो करता है।
तो अपने उमंग उत्साह को एक बार संकल्प करके छोड़ ना दो, उसे रिवाइज करो। जब बार बार कोई चीज याद की जाती है तो वो पक्की हो जाती है। तुम्हारे बोल हीरे मोती जैसे हों, बोल नहीं हो बल्कि हीरे मोती हों। लोग सुने तो लगे मोतियों की बरसात हो रही है, सुख मिल रहा है, वरदान मिल रहे हैं। सुनते ही रहें, टेप रिकॉर्ड कर लें, बार बार सुने, ऐसा महत्व बाबा हम सभी के वचनों का याद दिला रहे हैं। हमारी स्थिति तो लाइट हाउस है, बाबा ने कहा, मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस है। जितना अच्छा तुम यहाँ करोगे वही सारे संसार तक पहुंचेगा, सारे संसार के लोग उसे फॉलो करेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, साथ साथ ये भी याद दिला रहे हैं। प्राप्तियां सब कुछ हैं, भंडारे भरपूर हैं, लेकिन बेहद का वैराग्य हो। जिसके पास कुछ हो ही ना और वो वैराग में रहे उसका महत्व नहीं। सब कुछ होते हुए भी बेहद का वैराग, ये मधुबन वालों के लिए विशेष शिक्षा की बात है, हम सब के लिए शिक्षा की बात है कि हम कहीं भी किसी चीज में आसक्त न हो जाए, हम अटक न जाए, कोई संसार के आकर्षण हमें रोक न दे उड़ने से, बेहद का वैराग हमारे अंदर निरंतर कायम रहे। तो भाग्य का नशा ऐसा चढ़ा रहे जैसे कोई न्यारी चीज होती है, प्यारी चीज होती है, लोग उसे देखते ही रहते हैं, तुम्हें भी लोग देखते ही रह जाएं। बोल के साथ श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का बहुत महत्व है। बोल बोलो लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भी दो। भाषण करने वालों को बाबा कह रहे हैं, एक बोल और 100 बोल जितने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हों। साथ साथ बाबा कह रहे हैं, जैसे सरकार किसी गांव को एडॉप्ट करती है भाई, उसे आदर्श गांव बनाती है, तुम भी एक ऐसा आदर्श ग्रुप बनाओ कि किसी को गुणवान देखने हो, किसी को ज्ञानवान देखने हो, किसी को शक्तिशाली देखने हो, किसी को योगयुक्त आत्माएं देखनी हो, तो यहाँ देखो। तो बहुत सुंदर प्रेरणाएं हैं। सत्यता की शक्ति पर पुनः बाबा का बहुत अच्छा वरदान आ गया कि सत्यता को सहन करना पड़ता है। लोग तो ये कहते हैं सत्यता के आधार पे तो जीना मुश्किल है, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी अपनी सत्यता की बात से डिगे नहीं, टले नहीं, हटे नहीं। हाँ, सत्यता को सहन करना पड़ता है, माताओं को, कुमार कुमारियों को भी बहुत सहन करना पड़ता है, लेकिन हम झुकेंगे, सहन करेंगे, पर सत्यता से हटेंगे नहीं, ये हमारे अंदर बहुत ही दृढ़ता हो। बस हमें सदा खुश रहना है और करना है तो सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। तो आज सारा दिन हम अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहेंगे और इस गहन चिंतन में चलेंगे। जो बात बाबा ने मधुबन वासियों को कही वो हम सब के लिए है कि मेरा हर बोल हीरे मोती के समान हो। हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे तो सारे संसार में शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलेंगे, उन्हें सारा संसार फॉलो करेगा। तो आज इस नशे में रहेंगे, भाग्य विधाता मेरे साथ है, भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य बहुत सुंदर बनाया है, मेरे भाग्य के सुंदर दिन चल रहे हैं, और बाप दादा का आह्वान करेंगे और देखेंगे बाबा आ गए, हथेली पर स्वर्ग लाए हैं और कह रहे बच्चे ये स्वर्ग तुम्हारे लिए है। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।